everyone welcome to your very own easily this is dr sudha your mentor for biology so aaj ki class mein hum क्या करने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं रेप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिसको कि हम बहुत ही स्टार्टिंग से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आज वो टाइम आ गया है जब हम बात करेंगे उस मॉलिक्यूल के बारे में अभी तक हमारी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर हमने ये समझा कि डी एन ए आर एन ए न्यूक्लिक एसिड इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है ना और किस तरह से हमें पता लगा कि जो डी एन ए है दैट इज द जेनेटिक मटीरियल ठीक है क्या हुआ था हमारी लास्ट डिस्कशन में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था किसके लिए जेनेटिक मटेरियल की पोस्ट के लिए, लिए. ठीक है तो जेनेटिक मटेरियल की पोस्ट के लिए तीन कैंडिडेट्स हमारे सामने आते हैं कौन कौन थे वो डीएनए था आरएनए था और प्रोटीन्स थी ठीक है तो इन तीनों के बीच में हमने एज ए जेनेटिक मटेरियल किसको सिलेक्ट किया हमने सेलेक्ट किया डीएनए को ठीक है तो क्या हमने आरएनए को छोड़ दिया नहीं आरएनए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे पहले इस अर्थ पर जब लाइफ आई थी तो सबसे पहले कौन आया था आरएनए आया था नॉट डीएनए ठीक है बट एवोल्यूशन के टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस uh, आते गए उसके अंदर हमने ये देखा कि जो आर एन था ना बड़ा चंचल सा कैंडिडेट था मतलब इट वाज हाईली अनस्टेबल तो ये हमारी जेनेटिक मटेरियल बनने की जो शर्तें थी जो क्राइटेरिया था आर एन ए उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया तो ये जो सारी क्वालिटीज थी जो खूबियाँ चाहिए थी हमें जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए तो वो कौन से कैंडिडेट में मिली थी हमें हमें मिली थी डी एन ए के अंदर ठीक है तो हमने ये बोला कि कम तो भाई आर एन ए भी नहीं है तो ऐसा करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करेगा डी एन ए राइट अब उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और कैंडिडेट चाहिए था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाए और उसको ट्रांसक्र ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बना सके ठीक है तो वो कैंडिडेट फिर उस चीज़ का काम हमने किसको दिया लाइक मैसेंजर कैरी करने का काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम कौन करेगा डीएनए कैरी कौन करेगा इन्फॉर्मेशन को आरएनए आरएनए फिर क्या करेगा तीन टाइप के आर आरएनए ए होते हैं राइबोसोमोल आर एन एसेंजर आर एन ए टी आर ए तो तीनों आर एन ए मिलकर क्या बनवाएंगे तो हम कर चुके थे और आज जो है सच में हम बात करने वाले हैं उस मॉलिक्यूल के बारे में कैसे वो मॉलिक्यूल अपने आप को दूसरे जो पेरेंट्स से ऑफ में कैसे ट्रांसफर करवा पाता है ठीक है पता क्या सीन है जैसे पेरेंट्स ने uh, अपने बेबीज प्रोड्यूस किए ठीक है अब वो बेबीज क्या इंडिपेंडेंट है? है एक टाइम बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर वो अपनी लाइफ अपने आप अपने तरीके से जीते हैं तो ऐसे ही आज हम देखेंगे एक सेल के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसने वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेल को पास कर दी और ये बोला कि भाई मेरे पास जितना भी सामान था मैंने सब कॉपी करके तुम्हें दे दिया अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन को आगे कैसे भेजते हो कैसे उसको यूटिलाइज करते हो ठीक है मतलब कहने का ये आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि डीएनए अपनी कॉपीज उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर स्टोर्ड है उसकी कॉपी कैसे बनवाएगा ठीक है तो कॉपी बनाने का प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको रेप्लिका प्रोड्यूस करना मींस रेप्लिकेशन मेरे पास है कुछ नोट्स आपको देने के लिए मतलब मेरे पास है कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या मैं उस इंफॉर्मेशन को जो मेरे पास रिटर्न नोट्स की फॉर्म में है क्या मैं उस इंफॉर्मेशन को टियर करूंगी नहीं मैं क्या करूंगी एक कॉपी बनवाऊंगी आपसे बोल दूंगी है ना इसकी कॉपी बनवा लो और आप उन नोट्स की कॉपी को यूज कर सकते हैं अभी आपकी मर्जी आप उसके आगे कॉपीज बना के कहां काशन करते हो ठीक है तो ये जो प्रोसेस है ये हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में किस तरह से डीएनए अपना रेप्लिका प्रोड्यूस करता है ठीक है ओके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जब हम डीएनए की कॉपी बनवाएंगे तो क्या पूरा का पूरा डीएनए नया बनेगा या आधा पार्ट डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है तो क्या आधा पार्ट नया आधा पार्ट पुराना बनेगा एक ही स्ट्रैंड में या एक स्टैंड पुराना रखेंगे दूसरा स्टैंड नया बनवाएंगे तीन पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास ठीक है तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से डीएनए अपनी कॉपी बनवाता है हम प्रोसेस को समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि कौन से मोड से रेप्लीकेशन होता है तीन पॉसिबिलिटीज क्या क्या है हमारे पास दैट कैन बी कंजर्वेटिव पूरा का पूरा हम कंजर्व कर ले या हम आधा यूज़ कर ले दैट इज सेमी कंजर्वेटिव ठीक है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड और कंजर्वेटिव मोड और साथ ही साथ हम ये देखेंगे अगर हाफ हाफ को हम यूज़ करते हैं हाफ पार्ट कंजर्व करते हैं हाफ पार्ट नया बनवाते हैं तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ वी विल डिस्कस अवर टूडेज क्लास ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन बट उससे पहले करना है हमें बहुत जरूरी काम क्या हमें यह देखना है कि अपने आप को गूगल गूगल प्ले स्टोर से इजिली ऐप के साथ कैसे जोड़ना है ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इजिली ऐप के साथ जुड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से जोड़ना पड़ेगा अपने आप को गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे इजिली ऐप को डाउनलोड करेंगे और इजिली ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना फोन नंबर एंटर करेंगे और क्या क्रिएट करेंगे आपका अकाउंट ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे हमसे मांगी जाएंगे कुछ डिटेल्स और उन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपसे मतलब वेरीफाई विद ओटीपी आपके सामने यहाँ पे क्लिक करना होगा और तब आपके पास आता है एक ओ नंबर और जब आप ओ नंबर आपके पास आ जाएगा वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप अपने आप को नया अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं और आपके सामने खुलते हैं कुछ हमारे कोर्सेज जैसे कि सीयूटी जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन और फिलहाल हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है नीट तो जैसे ही आप नीट के इस कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे आपसे पूछी जाएगी आपकी क्लास तो क्लास पे टिक कर देंगे ट्वेल्थ क्लास के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं राइट नीट के लिए राइट उसके बाद आपके सामने ये आते हैं कोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन कोर्सेज की जो फी है दैट इज इंडिविजुअल कोर्स की बात करूँ तो टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज पर सब्जेक्ट ठीक है तीनों को अगर मैं कंबाइन लेती हूँ तो एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज राइट बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये नहीं बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को लग सकता है ये अमाउंट ज़्यादा है या किसी भी कारणवश कोई भी कारण हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि हम ये अमाउंट पे करना नहीं चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमें ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए ठीक है और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम जो वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे जब हम देखते हैं तो हमें कुछ एड्स बीच बीच में आके हमें इंटरप्ट करती है जिसकी वजह से हमारा फोकस हट जाता है है ना हम जितनी अच्छे से क्लास को समझना चाहते हैं उतने अच्छे से अपने आप को फोकस नहीं रख पाते हैं तो इन दोनों बातों का जो सल्यूशन है दोनों प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो ये है फ्री में कोर्स को लेने के लिए जस्ट एक कूपन कोड एंटर कर देना फ्री इजिली पहले लिखेंगे फ्री फिर लिखेंगे इज़िली ठीक है जैसे ही आप ये कूपन कोड भर देंगे आपका पूरा का पूरा ये अमाउंट वेव ऑफ हो जाएगा और ऐप पर जैसे कि आपको पता है कि आपको जो वीडियोस मिलती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में और विदाउट एनी इंट्रक्शन आपको वीडियोस मिलेंगी ठीक है जिसमें क्या होगा आपका पूरा इलेवेंथ का कोर्स पूरा ट्वेल्थ का कोर्स इलेवेंथ का प्रारंभ बैच राइट और ट्वेल्थ का टॉपर बैच और आपकी प्रेपरेशन किसके लिए नीट के लिए वेल स्ट्रक्चर कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा तो है ना खुशी की बात ठीक है तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी आज के डिस्कशन कि डी कैसे अपनी कॉपीज बनाता है इतनी सारी जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर uh, फॉर्म में जो है वो उसको कैसे आगे ट्रांसफर करता है मींस अपनी कॉपीज बनाकर और इस कॉपी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है ध्यान uh, से अगर आप हम समझें इस अर्थ पर जो लाइफ है अगर हम कहीं भी चले जाए हम कहीं भी चले जाएं चाहे हॉस्पिटल में चले जाए स्कूल में चले जाए सड़क में कहीं भी मतलब चले जाओ तो आपको अपने जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स दिखते हैं ठीक है ठीके? ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो कैट ले लो डॉग ले लो वॉट एवर हमें कोई एक एक कैंडिडेट एक तो नहीं दिखता ना ऑर्गेनिज्म हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं तो वो सब कैसे बन जाते हैं ठीक है तो अब आपका आंसर आएगा क्योंकि अब आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से कि मैम फ्रॉम ह्यूमन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या पास हो रहा है डी ठीक है डी एज अ जेनेटिक मटीरियल दैट इज पास टू नेक्स्ट जनरेशन में तो अब जैसे ही हमें पता है कि मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स बनाते हैं ठीक है मेल गैमीट्स फॉर्म बनते हैं फीमेल गैमीट एग बनता है दोनों के अंदर क्या है नाउ यू नो वेरी वेल देयर इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक है मतलब डीएनए क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए की is, is तो अब एक पेरेंट का और दूसरे एक मदर का एक फादर का दोनों का जो डीएनए कंटेंट है जायगोट में जाके फ्यूज हो जाता है ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है तो जब दोनों का डीएनए कंटेंट एक जायगोट में जाके फ्यूज हो जाता है तो अब वो जायगोट सिंगल सेल डेवलप कर जाएगा किसके अंदर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर ठीक है तो मतलब एक सेल बनेगा राइट एक सेकेंड तो क्या बनेगा बेटा एक सेल बनेगा मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला ये एक जायगोट है ठीक है दिस इज जायगोट अब इस जायगोट के पास मदर का भी और फादर का भी फादर का डीएनए और मदर का क्या है न्यूक्लिक एसिड जो दोनों के है दैट इज जेनेटिक मटेरियल तो इन मदर का भी जेनेटिक मटेरियल फादर का भी जेनेटिक मटेरियल दोनों का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाता है किसके अंदर जायगोट के अंदर एक बहुत ही सिंपल भाषा में जो हम समझ रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं राइट right? अब जायगोट क्या है एक सेल है अब ये डिवाइड करेगा फॉर एग्जाम्पल वैसे तो हमें पता है कि जायगोट के अंदर क्लीवेज होती है क्लीवेज मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं जैसे दिस इज क्लीवेज सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है बस इसके अंदर सेल्स ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहे हैं ठीक है अब ये सेल सारे डिफ्रेंशिएट होकर पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं राइट अब देखो अब मैं बात कर रही हूं एक सेल की कोई भी बॉडी का एक सेल ले लो चाहे आपके हेयर का ले लो स्किन का ले लो वॉट एवर पूरी बॉडी के अंदर सेल सेल सेल्स से, है ठीक है तो हर सेल डिवाइड करता है राइट मान लो मान लो एक सेल डिवाइड किया और इसने क्या बना दिया बेटा दो डॉटर सेल्स ये एक सेल था दिस इज वन सेल मदर सेल बोल दो इसको और ये इसके क्या बन गए दोनों बेटियां बन गई डॉटर बन गए इसके दीज आर डॉटर्स ठीक है अब इन डॉटर्स के पास भी क्या है इसके पास इसके इसके पास पास क्या था जेनेटिक मटेरियल था ठीक है एक सेल के पास अब जेनेटिक मटेरियल ने अपनी क्या बनाई कॉपी बनाई और एक कॉपी इसको दे दी और एक कॉपी इसको दे दी ठीक है इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया जो कुछ भी सेल के पास था राइट अब अब ये डॉटर अब आगे ये मदर बनेंगी ये मदर बनेंगी तो ये आगे सेल बनाएंगी ठीक है तो इन्होंने इन्होंने आगे फिर से दो सेल्स बना दिए ठीक है तो अब इन सेल्स के पास भी क्या है जेनेटिक मटेरियल है कैसे बनेगा जेनेटिक मटेरियल अब एक जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर सकते ना हम राइट तो हम क्या करते हैं एक कॉपी बनवाई मान लो ये मेरे पास दिस इज वन डी एन ए स्ट्रेड ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने इसकी एक कॉपी बनवाई सेम सेम दूसरी कॉपी बनवा दी ठीक है ये क्या बन गई कॉपी बन गई और ये क्या था ये पेरेंटल डीएनए था राइट right? ओके okay. ऐसे करके आगे आगे सेल्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती जा रही है जो इन्फॉर्मेशन इस सेल के पास थी वो इनके डॉटर्स के पास गई ठीक है अब डॉटर्स ने आगे पास ऑन कर दी ठीक है उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐसे आगे आगे पास ऑन होती रहती है जिसका मतलब कितनी सारी डीएनए की कॉपीज बनती होंगी जब जब सेल डिवाइड करता है तो पहले क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिला रेप्लीकेशन कब होगा जब सेल डिवाइड करेगा जब सेल डिवाइड करेगा रेप्लीकेशन आकर्स वेन सेल डिवाइड रेप्लीकेशन अकर्स वेन सेल डिवाइड ठीक है ओके okay. अब आपको पता है कि सेल डिविजन के या प्रोकेर uh, की बात करूं तो बिफोर जस्ट बिफोर बाइंड्रीफिशन डी एन ए अपना नंबर डुप्लीकेट करता है बट अगर मैं यूके बात करूं कहा होता है इन एस फेज इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल डी एन ए रेप्लीकेट ठीक है हमें पता है कि S phase के अंदर DNA अपनी डबल मतलब अपना कंटेंट जो है वो डबल कर लेते हैं डी एन ए की कॉपी बन जाती है दैट ये चीज हमने कहाँ पर सीखी थी जब हम सेल डिविजन वाला चैप्टर कर रहे थे दैट अगर हम पूरे के पूरे सेल डिविजन को डिवाइड करें तो दिस इज जीवन फेज s phase g2 phase and m phase ठीक है तो s phase के अंदर dna डुप्लीकेटस डीएनए अपनी कॉपी बनवाता है डीएनए अपनी कॉपी बनवाता है तो हमारे पास दो क्वेश्चंस के आंसर हैं. डीएनए कब रेप्लिकेट करता है जब सेल को डिवाइड करना होता है डिवाइड क्यों करेगा सेल अपने जैसे और सेल बनेंगे तभी तो क्या होगा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सेल का बने अगर सेल नहीं नहीं बनेंगे तो पुराने वालों की वियर एंड टीयर भी होती रहती है ठीक है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल्स के पास पास भी करनी होती है तो इट डिवाइड्स व्हेन द सेल डिवाइड्स डीएनए रेप्लिकेशन अकर और कब होता है इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल तो क्या सेल के अलावा और कहीं भी रेप्लिकेशन होता है यस yes. माइटोकोन्ड्रिया जैसी ऑर्गेनालिस के अंदर भी डीएनए जो है दैट रेप्लिकेट्स ठीक है चलो ये बातें हम करेंगे आज की हमारी डिस्कशन में अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे सामने तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पास मान लो ये एक डीएनए है ठीक है दिस इज़ वन डीएनए मुझे बनानी है इसकी कॉपी इसकी कॉपी बनानी है, मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं या तो मैं इसकी कॉपी करके पूरा का पूरा एक नया डीएनए बना दूं जिसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रही हूँ ये है। पूरा, है है। ये पूरा का पूरा बन गया नया डीएनए ठीक है या मैं एक काम करूं या मैं एक काम करूं कि आधा पार्ट तो मैं ये वाला रख लू ठीक है और आधा पार्ट मैं या तो मैं ये काम करूं पूरा आधा डीएनए ये रख लू और आधा डीएनए मैं ये वाला रख लू डिफरेंट कलर में ठीक है या तो होगी ये वाली पॉसिबिलिटी एक और पॉसिबिलिटी है मेरे पास थर्ड पॉसिबिलिटी कि ये तो मान लो मैंने ये मेरे पास डी था इस डीएनए के मैंने ऐसे दो स्ट्रैंड्स बना दिए पहले पहले इस डीएनए को खोल दिया मैंने दो पार्ट्स में और अब मैंने इस स्ट्रैंड के सामने एक ये वाला स्ट्रैंड नया बना दिया एक ये वाला स्ट्रैंड मैंने नया बना दिया ठीक है अब आपको पता है दिस इज द पेरेंटल और दिस इज द डुप्लीकेट दिस इज द पेरेंटल दिस इज द डुप्लीकेट ठीक है तो इसमें हमने क्या किया आधा डीएनए कंजर्व किया और एक उसी डीएनए के दो थ्रेड्स को खोल के एक के सामने दूसरा डीएनए बनवा दिया ठीक है तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं बेटा हमारे पास तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ कि इन तीनों में से कौन सा मैथड शन uh, का कौन सा मैथड है वो एप्लीकेबल होता है ठीक है तो इसके लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं कौन कौन से मैसलसन एंड स्टॉल का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारी आज की क्लास में और साथ ही समझेंगे डी एन ए रेप्लीकेशन को ठीक है चलो सबसे पहले देखो थोड़ा सा बैक पे जाते हैं थोड़ा सा बैक पे जाते हैं जब वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया था उसी वक्त उनके दिमाग में कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो थी बेस पेयर के बीच में कि एडिन इनके सामने थाइमिन आएगा साइटोस इनके सामने ग्वाइनिन आएगा वहाँ से उनके माइंड में ये वाली बात क्लियर हो गई थी कि दोनों अब मतलब जो डीएनए से कॉपी कैसे बनती है ये कुछ कुछ आइडिया उनके माइंड में आना शुरू हो गया था ठीक है देखो इमीडिएटली एनसीआर उसी वक्त उन्होंने बता दिया था कि देयर इज स्कीम ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए स्कीम फॉर रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट

ठीक है इमिजिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल मान लो मेरे पास डीएनए का एक थ्रेड है ठीक है मुझे पता है इस थ्रेड के ऊपर ए टी सी जी ए कुछ ये बेस पेयर है ठीक है तो क्या मैं इन इसके सामने दूसरा डीएनए का थ्रेड नहीं बनवा सकती अगर मेरे पास ये वाले नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाए ठीक है आज हम लैब के अंदर भी हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं डीएनए प्रॉप्स राइट तो इस तरह से सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक पेयरिंग की वजह से ऑटोमेटिकली एक बात समझ में आती है कि जो डीएनए है इसके पास अपना एक स्पेसिफिक मैकेजम है अपने आप को डुप्लीकेट करवाने का बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ बेस पेयर ठीक है कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक मटेरियल ये बात किसने बोली थी वॉटसन एंड ट्रिक ने बोली थी, ने बोल थी 1953 ईयर को याद रखना जरूरी है बिकॉज सारी की सारी जो हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं ना वो सारी रिलेटेड है ईयर 18, से 1865 से शुरू हुए थे हम जब मैंडल का वर्क पब्लिश हुआ था और 1953 तक आते आते हमें यह पता लग गया कि देयर इज सम मैकेनिज्म फॉर डीएनए एन एक रेवोल्यूशन आया था जब वॉटसन एंड ट्रिक का डबल मॉडल प्रपोज किया गया था और वहां से बहुत बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थी ठीक है चलो अब देखो द स्कीम अब इस स्कीम ने क्या सजेस्ट किया व्हाट वॉज सजेस्टेड बाई दिस स्कीम दैट द टू स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और कैसे एक्ट करेंगे दे विल एक्ट अ टेम्पलेट ठीक है एक स्टैंड दूसरा स्टैंड इस स्टैंड के सामने इसको फॉलो करता हुआ नया थ्रेड बन जाएगा इसको फॉलो करता हुआ नया थ्रेड बन जाएगा जैसे कि देखो मेरे पास ये एक स्टैंड है और पहले मेरे पास क्या थे दोनों दो दो स्टैंड थे दिस वॉज द डी एन ए कंप्लीट ठीक है दोनों डी एन ए के स्टैंड सेपरेट हो गए और अब मुझे पता है कि इसके ऊपर जो बेस सिक्वेंस है दैट इज दिस वन और इसके ऊपर क्या था ए जी सी टी एंड ए अब मुझे यह पता लग गया था उस टाइम पर जो सेंट्रिक के मॉडल के बाद कि अगर इसके सामने एक नया स्टैंड बनाना है तो इसके पास पोलैरिटी ये वाली आएगी ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग हो जाएगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी ऐसे इसके सामने आ जाएगा ए टी सी जी ए एंड टी ठीक है तो यहां से फिर ये वाली बात समझ में आ गई कि देयर इज अ मैकेनिज्म दैट इज बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक बेस पेयरिंग फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है एक्स एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स राइट इतनी बात क्लियर है हमें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा एंड एक नया सिंथेसाइज्ड जो ब्लैक वाला मैंने बनाया दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड ठीक है दिस स्कीम वॉज टर्म सेमी मतलब हाफ कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करना हाफ पार्ट हम पेरेंट का कंजर्व करेंगे और हाफ पार्ट हम नया बनवाएंगे दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डी एन ठीक है देखो पेरेंट सेल है ध्यान से देखना बेटा इस चीज को पेरेंट सेल है दोनों के दोनों ही ब्लू कलर से दिखाए हमने स्टैंड ठीक है पहली बार जब रेप्लीकेशन होगा तो क्या हुआ दोनों स्टैंड के सामने सेकेंड्लीकेशन के अंदर देखो पहले स्टैंड के अंदर one is dark blue and उसके सामने दिस इज लाइट ब्लू दोनों सेपरेट हो गए ठीक है तो इसकी क्या बन गई दो कॉपीज एक लाइट वाले की एक दूसरे वाले की सेकेंड रेप्लीकेशन में क्या हुआ अगर हम बात करें कंजर्वेटिव मॉडल की ये पुराना वाला स्टैंड है राइट जो हमने अभी पॉसिबिलिटी समझी ये पूरा का पूरा एज इट इज कंजर्व हो गया पुराना वाला एज इट इज कंजर्व हो गया उसके सामने नया बन गया कौन से कलर में लाइट कलर वाला जो दिख रहा है राइट फिर से रेप्लिकेशन होती है ये पुराना का पुराना एज इट इज है इसके सामने फिर से एक नया बन गया लाइट कलर में और इस लाइट कलर ने अपने जैसा एक और डीएनए बना दिया मतलब कहने का ये कंजर्वेटिव मोड की अगर हम बात करें तो एक पुराना पूरा का पूरा का डीएनए दोनों दोनों स्ट्रैंड पुराने डीएनए के कंजर्व रहते हैं और उनके सामने दूसरा वाला एक नया स्टैंड पूरा का पूरा दोनों स्टैंड नए बनते हैं दोनों स्टैंड नए बनते हैं बात को ध्यान रखना दैट इज कंजर्वेटिव ठीक है द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन इन एंड एन ऑल न्यू कॉपी इज मेड ये वाला मॉडल भी प्रपोज किया गया था दूसरी बात क्या आई थी ये जो इसको सेमी कंजर्वेटिव को बाद में समझते हैं पहले समझते हैं डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव में क्या हुआ बेटा ये पूरा पेरेंटल डीएनए इसका आधा पार्ट तो पुराना वाला रख लो आधा पार्ट रख लो नया वाला जो हमने अभी पॉसिबिलिटी डिस्कस की ठीक है आधा पार्ट नया आधा पार्ट पुराना एक ही डीएनए के अंदर तो मतलब इतना पार्ट अगर नया है इतना पार्ट पुराना है इतना पार्ट नया है इतना पार्ट पुराना है इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल क्या बोलेंगे डिस्पर्सिव मॉडल तो इन दोनों मॉडल से बेटा बात समझ में आई नहीं फिर उसके बाद एक मॉडल ये भी प्रपोज किया गया कि एक दोनों स्टैंड्स को खोल दो और दोनों स्टैंड के सामने एक नया स्टैंड बनवा दो दैट इज सेमी कंजर्वेटिव जो तो हम समझ चुके हैं ठीक है तो हमने यही वाली तीनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया था कि अगर मैं ये वाला फॉलो करती हूं तो दिस इज कंज़र्वेटिव मॉडल दिस इज कंज़र्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये कैसा था बेटा आधा पुराना आधा नया डिस्पर्सिव दिस इज डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ कंजर्वेशन डिस्पर्सिव मॉडल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन और ये वाला कैसा था एक स्टैंड नया एक स्टैंड पुराना ये वाला मेथड था सेमी कंजरवेटिव क्वेश्चन मार्क ये था इन तीनों में से कौन सा मॉडल एप्लीकेबल है फॉर डीएनए एन एप्लीकेशन तो अब हम करने जा रहे हैं वॉट विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वॉटसन एंड ट्रिक ने प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया दैट वॉज गिवन बायस एंड स्टॉल तो मैसेस एंड इंस्टॉल ने दिया एप्लीकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट इज वन इज देखो ध्यान से देखो यहाँ से समझ में आएगा दिस इज कंप्लीटली पेरेंटल डीएनए है ना इस पेरेंटल डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो थे दो थ्रेड्स थे वो खुल जाते हैं और इसके सामने जो पिंक कलर में देखो ये जो पिंक कलर में है ये एक नया स्टैंड बन रहा है ये दिस वन इज नया तो ये एक पुराना वाला स्टैंड है ये पुराने वाले पुराने वाले सामने नया वाला बन रहा है और ऐसे ये वाला पुराना वाला पर्पल वाला इसके सामने पिंक वाला नया स्टैंड बन रहा है ओल्ड पेरेंट स्टैंड, न्यू स्ट्रैंड डॉटर डीएनए डॉटेड डीएनए ये कौन सा मेथड है बेटा दिस इज सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है चलो इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे इट इज नाउ प्रूवन अब प्रूफ हो चुका है दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली पहली बार किसने शो किया था दिस वॉज शोन इन कोलाई और कोलाई e. के साथ साथ हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी इसको शो किया गया कि मोड ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है ओके लेट इस डिस्कस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और ध्यान okay. से इसको समझेंगे क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट में देने वाले कौन थे मैसेलसन एंड स्टॉल्ड राइट ओके मैथ्यू मैसेलसन नाम याद रखेंगे एंड फ्रैंकलिन स्टॉल्ड इन्होंने परफॉर्म किया ये एक्सपेरिमेंट कब 1958 में 1953 में वॉटसन एंड ट्रिक ने डबल मॉडल के साथ प्रपोज करते ही ये भी बोल दिया था दैट देयर इज सम स्पेसिफिक स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन तो 1958 में प्रूफ के साथ मैसेलसन एंड स्टॉल्ड ने बताया कि ये जो रेप्लिकेशन है डबल स्टैंडर्ड की दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ठीक है देखो देखो इसमें करना क्या है सबसे पहले ना उन्होंने क्या किया ए e कोलाई को ग्रू किया कौन से मीडियम में नाइट्रोजन जो है हमें पता है डीएनए का पार्ट है राइट तो उनको उन्होंने किसमें ग्रू किया अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन जो यूज किया दैट इज फिफ्टीन एन 15 N. N 15 क्या है बेटा इसको ऐसे लिखोगे एन फिफ्टीन इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन ठीक है एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन आपको पता है जो भी हैवी चीज होगी जब हम उसको डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूक करते हैं तो हैवी चीज़ जो है नीचे की तरफ बैठ जाती है ठीक है अब हमें इसी चीज़ को यूज करना है इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है राइट तो बहुत सारी जनरेशंस तक क्या चलता रहा बेटा एक ओलाई को ग्रो करते गए कौन से मीडियम के अंदर दैट इज एन फिफ्टीन वाले मीडियम के अंदर इसको ग्रो करवाते रहे तो जैसे ही हमने एन फिफ्टीन मीडियम के अंदर ग्रो करवाया होगा तो अब जो ई e. कोलाई का डीएनए है उसके पास हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन आ गई होगी ठीक है तो इसका मतलब दोनों ये कैसे लिए? राइट ओके आफ्टर ट्वेंटी ई कोलाई जो है हर ट्वेंटी मिनट्स के बाद डिवाइड कर जाता है मतलब इसका डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर जाता है अब क्या किया द रिजल्ट वॉज दैट N15 फिफ्टीन वॉज इनकॉपरेटिड इन द न्यूली सिंथिसाइज डी एन एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अभी हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को हम डिस्टिंग कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रिफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ठीक है तो थोड़ा सा एन सी आर है इसी के थ्रू समझते हैं एक बार फॉर फिफ्टीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड कलर से ठीक है एन फिफ्टीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड कलर से तो दिस इज द ई कोलाई का है दी एन ए रेड वाला जैसे ही अभी ट्वेंटी रेप्लीकेट करेगा डिवाइड करेगा तो एक तो है बेटा रेड वाला तो है पेरेंटल स्टैंड ठीक है दूसरा ये ये दोनों स्टैंड हो गए अलग राइट अब नाइट्रोजन इनको 20 मिनट्स के बाद हमने क्या किया इनको नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम के अंदर हम ग्रो करेंगे चेक अब इन में क्या बनेगा नाइट्रोजन 15 को हमने रिप्रेजेंट किया है रेड से याद रखना नाइट्रोजन 14 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन से पहले ए e. कोलाई के अंदर क्या था सारा नाइट्रोजन फिफ्टीन वाला मीडियम था 20 मिनट्स तक हमने इसको ग्रो किया नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में जिसकी वजह से पुराने स्ट्रैंड के सामने जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो वहां पर आएगी नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए दिस इज जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ ठीक है तो ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट तो इससे क्या बोलेंगे हम हाइब्रिड एंड 15 इज हैवीयर एंड 14 इज लाइटर तो हैवी और लाइटर जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो हाइब्रिड वाला पार्ट है देखो ध्यान से देखना जो लाइटर वाली है लाइटर वाली लेयर बनेगी ऊपर बेटा उसको और जो हाइब्रिड वाली है दैट विल वो कहीं ना कहीं सेंटर में बनती है तो याद रखेंगे अगर मैं ब्लू अगर मैं रेड और ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगी दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइब्रिड दिस इज लाइटर एंड दिस इज है ठीक है तो 20 मिनट्स के बाद जब ये को डिवाइड करता है तो उसके पास आती है हाइब्रिड डीएनए और जब हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर सेंट्री करेंगे तब हमारे पास ये जो लेयर है ये टेस्ट ट्यूब के ये सेंटर में बनेगी ठीक है इस जगह पे बनेगी सेंटर में तो हैवी वाला कहाँ बन रहा है बेटा नीचे की तरफ और हाइब्रिड वाला कहाँ बन रहा है सेंटर में फिर डिवाइड करते हैं हम किसके अंदर नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में आफ्टर 40 मिनट ये जनरेशन वन होगी जनरेशन टू 14 मिनट 40 मिनट्स के बाद हमने फिर से उस कौन सी नाइट्रोजन लाइट के अंदर हमने ग्रो किया ओके okay. अब देखो क्या होगा अब एक स्टैंड तो देखो पूरा का पूरा ग्रीन का बना है मी लेट मी लेट डू दिस फॉर एग्जांपल ये है बेटा आपका एन फिफ्टीन हमने ले लिया कैसे बहुत सारी जनरेशन तक हमने ई e कोलाई को एन फिफ्टीन वाले मीडियम के अंदर ग्रो करते गए ठीक है अब हमने क्या किया चलो यहीं पे करते हैं जब हमने इसको ट्वेंटी मिनट्स के बाद देखा डिवाइड करते हुए एन फोटीन वाले मीडियम में तो एन फिफ्टीन हो गया अलग ये एन फिफ्टीन हो गया अलग और इसके सामने बन गया एन फोर्टीन एन ठीक है तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एन फोटीन यहाँ मैं लिख रही हूँ एन और यहाँ मैं लिख रही हूँ एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन ठीक है अब जब मैंने इनको फिर से डिवाइड किया आफ्टर फोर्टी मिनट्स कर लो है ना दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन दिस इज़ सेकेंड जनरेशन यहाँ भी हमने एन फोर्टीन को यूज़ किया इसको आप चाहो तो ग्रीन कलर से भी समझ सकते हो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो ओके okay. अब देखो अब इन पहले ग्रीन वालों को अलग कर लो एंड फोर्टीन एंड फोर्टीन ठीक है और इधर से ले लो एंड और एंड फिफ्टीन ठीक है एंड फिफ्टीन के सामने अब जो स्टैंड बनेगा वो भी ग्रीन कलर से बनेगा ये बन गया एक ये बन गया दूसरा ये बन गया नेक्स्ट नया स्ट्रैंड और ये बन गया नेक्स्ट नया स्ट्रैंड ठीक है तो अब अगर आप इसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर करते हो टेस्ट ट्यूब के ऊपर इसको सेंट्री करते हो तो आपके सामने देखो लाइट वेट वाले कितने हैं लाइट वेट वाले कितने हैं दैट इज वन टू फिफ्टी परसेंट तो लाइट वेट की लेयर बनेगी यहाँ ठीक है ओके ये दो क्या है बेटा फिफ्टी फिफ्टी हाइब्रिड बन गए ना तो हाइब्रिड वाली लेयर कहाँ बनेगी बीच में यहाँ हाइब्रिड वाली लेयर बनेगी आपकी यहाँ बीच में राइट तो ये बन गया बेटा आपकी हाइब्रिड और ये बन गया आपकी लाइटर ठीक है ओके आओ फिर से पिछली जन ट्यूब पर लाइट और हाइब्रिड तो ऐसे करते करते आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन तक डीएनए डिवाइड करता जाएगा और क्या यूज करेगा वो जो भी उसकी मीडियम के अंदर नाइट्रोजन में वो ग्रो कर रहा है जिस मीडियम में भी चलो अब देखो अब हमने इसको ग्रो करवाया अब ये भी नाइट्रोजन 15 में है 40 मिनट्स तो आफ्टर 20 मान लो ये 60 मिनट्स के बाद 60 मिनट्स के बाद देखना 16 मिनट्स के बाद लेट अस सी अब ये वाले दो ये वाले दो इन दोनों को ले लो ठीक है तो ये बन गया रेड और इसका चलो एक रेड और बना लेते हैं इसके सामने बन गया आपका इसका ग्रीन ये दोनों अलग हो गए ठीक है अब इस रेड के सामने ये वाला ग्रीन आ गया फिर ये आ गया इस रेड के सामने ये वाला ग्रीन आ गया और इसके सामने फिर से ग्रीन आ गया और इधर देखो दोनों कैसे थे ग्रीन ग्रीन थे ये और ये भी सेपरेट हुए इनके सामने भी ये बन गया इनके सामने भी ये बन गया तो देखो डीएनए कंटेंट धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है राइट बट अगर आप ध्यान से देखें तो हाइब्रिड का नंबर कम होता जा रहा है है ना ये भी लाइटर है ये भी लाइटर है ये भी लाइटर है और ये भी लाइटर है तो अब जब मैं टेस्ट ट्यूब लूंगी सॉरी अब जब मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से सेंट्री करूंगी तो आप देखेंगे मेरे पास जो हाइब्रिड वाली रेशो है हाइब्रिड वाला तो मेरे पास बनेगा नो डाउट यहाँ पे बीच में है ना और बाकी सारे क्या बनेंगे लाइट वेट के हाइब्रिड को ये सारे इधर इधर आ जाएंगे राइट right? तो इस तरह से नेक्स्ट 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 जनरेशन के अंदर क्या होता जा रहा है ध्यान से सुनना यहां हमारे पास था बेटा 100% वाला हेवीअर डीएनए यहां जाके हमारे पास 50% हाइब्रिड आ गए 50% क्या आ गए हाइब्रिड सॉरी यहां तो 100 100% हमारे पास हाइब्रिड आ गए ठीक है ओके okay, 100% हाइब्रिड आ गए नेक्स्ट जनरेशन में देखो 50% हाइब्रिड है और और 50% परसेंट क्या है बेटा लाइटर है धीरे-धीरे ये जो हाइब्रिड वाला कंटेंट कम होता जा रहा है और लाइटर वाला कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब पहले में 100 देन 50 देन हाइब्रिड हो जाएगी 25 देन नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएंगे 12.5 मतलब हाफ ऑफ हाफ होते होते हाइब्रिड कम होता जा रहा है और लाइटर वाला जो है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि जो भी सराउंडिंग के अंदर नाइट्रोजन जिस मतलब जो भी मीडियम के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं इकोलाई को उस मीडियम के नाइट्रोजन यूज करके दूसरे नए स्टैंड बनते जा रहे हैं तो हैवी वाले की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हैवी वाले के अंदर इकोलाई को ग्रो करवाया था राइट right? चलो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज एनसीआर टी लाइन वेरी वेल तब उन्होंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया जो मैंने हमने अभी हम कर चुके हैं बस हम एम लाइन से समझेंगे कि पहले ई कोलाई को एन फिफ्टीन के अंदर ग्रो करने के बाद जब पूरा का पूरा डी एन एन फिफ्टीन का बन गया तब उनको ट्रांसफर किया उन्होंने नॉर्मल फोर्टीन अमोनियम क्लोराइड के अंदर एंड टूक सैम्पल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स ट्वेंटी मिनट के बाद है ना एज ए सेल मल्टीप्लाइड और एक्सटेक्ट किया डी एन एट रिमेन्ड एज

वॉज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डी एन एंड ऑफ लाइट डीएनए फिफ्टी डीएनए फिफ्टी परसेंट हाइब्रिड था फिफ्टी परसेंट लाइटर था कब फोर्टी मिनट के बाद ठीक है ओके अब देना मेरे आगे देखो अगर ईकोलाई e. को हम अलाउ करें ग्रो करने के लिए फोर एट्टी मिनट्स तब पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे वट वुड वी दर्पोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल की ठीक है ट्वेंटी मिनट्स में फिफ्टी फिफ्टी आ गया था है ना मिनट्स आफ्टर देन मिनट्स के बाद और कम हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ध्यान से देखेंगे इस चीज को मिनट्स में कोलाई e. कितनी बार डिवाइड करेगा इन एटी मिनट कोलाई विल डिवाइड फोर टाइम्स है ना हर ट्वेंटी मिनट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ लिखोगे फोर टाइम्स ठीक है कितनी जनरेशन प्रोड्यूस की फोर जनरेशन फोर जनरेशन ठीक है ध्यान से देखो अब आपसे पूछा गया है कितना रेशो होगा डीएनए मॉलिक्यूल का हाइब्रिड और लाइट डेंसिटीज का राइट तो देखो पहली बार हमने ये वाली कंडीशन थी हमारे पास एंड 15 मीडियम के अंदर हमने ग्रो किया तो इनके सामने ये हमारे पास हाइब्रिड बन गए थे 100 परसेंट देन क्या हुआ सेकेंड जनरेशन के अंदर 50 50 हो गई थर्ड जनरेशन में और कम हो जाएंगे हाइब्रिड हो जाएंगे, लाइट हो में आओगे, 25 का रह जाएगा, hybrid, और बन तो यहाँ से आप बता सकते हो रेशियो आ जाएगी कितनी हाइब्रिड टू लाइट की सेवन इंस टू वन रेशो देट इज फोर्टीन इंस टू टू मतलब तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है हाइब्रिड की क्वांटिटी कम होती जाएगी लाइटर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ठीक है तो ये था मैसेजन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जहाँ से हमें ये प्रूफ हुआ कि जिस मीडियम के अंदर मान लो हमने नाइट्रोजन 14 में किया तो जब हमने देखा कि अब जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं वो सारे के सारे लाइटर नाइट्रोजन वाले मतलब N14 वाले बन रहे हैं इसका मतलब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक स्ट्रैंड पुराना वाला रखा जाता है पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड और उसके सामने एक नया स्ट्रैंड बनता है नया वाला ठीक है तो इसीलिए हमने इस मॉडल को डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोला सेमी कंजरवेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन ठीक है आई होप यहां तक हमें यह एक्सपेरिमेंट क्लियर है सीजियम क्लोराइड का हमने यूज किया एज अ डेंसिटी ग्रेडियंट और जब हमने हेवी और लाइटर नाइट्रोजन वाले जो डीएनए को जब हमने सेंट्रीफ्यू किया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं जिसकी वजह से हम ये बता पाए कि हर जनरेशन के अंदर धीरे धीरे जो हाइब्रिड वाला कंटेंट है वो कम होता जा रहा है और लाइटर वाला कंटेंट बढ़ता जा रहा है आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस डी की कॉपीज इस एक्सपेरिमेंट में भी बनती कैसे है, है ना डी कैसे अपने आप को रेप्लीकेट करवाता है ठीक है तो एक काम करते हैं बेटा कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं है ना ओके okay, देखो पहली चीज समझना मेरे पास ये एक रोप है रस्सी है है ना इमेजिन करो दैट दिस इज अ डीएनए, ये एक तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये पूरी है देखो अपने आप में क्वाइल्ड है ये दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइल्ड है ना और ये ये इस तरह से जो इसकी क्वाइलिंग है ना दिस इज इसी तरह से डीएनए आपका पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है राइट तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हमें पता है डीएनए का जो मॉडल जब हम पढ़ते हैं इट इज़ आ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस है ना? तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा है इसे रस्सी रैप रस्सी क्वाइल्ड हो आपस में तो मान के चलना दिस इज़ डीएनए तो हम धीरे धीरे करके अब हम स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे राइट चलो एक बार ऐसा करते हैं हम एनसीईआरटी पर बाद में आएंगे चलो पहले हम एंजाइम्स पढ़ते हैं। इन लिविंग सेल्स, एक मिनट हम cells, हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। लिविंग जैसे कि की बात करें, है हमारी बॉडी के अंदर चलता है इट इज केमिकल रिएक्शन है तो इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे एंजाइम्स ठीक है अब एंजाइम्स हमें पता है कि कोई सी भी रिएक्शन को फास्ट करने में राइट

ठीक है तो हमें चाहिए एक एंजाइम जो डीएनए से डीएनए बनवा दे तो मतलब उस एंजाइम का नाम हम क्या रखेंगे पॉलीमर पॉलीमर बनाने वाला विल एक्ट Polymer ना तो हम एज जिस भी वर्ड के पीछे लगा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को हम एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे टेम्पलेट का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में समझा था दैट मींस डिपेंडेंट तो डीएनए के ऊपर डिपेंड होने वाला डीएनए पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज तो नाम याद रखेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ठीक है सिंस इट यूज इज डीएनए टेंपलेट ठीक है टू कैटालाइज

टू टेन रेज टू दावर सिक्स बेस ठीक है बहुत इसका नंबर कम है जब हम इसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन के साथ जिनका डिप्लॉयड कंटेंट ही कितना है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर नाइन बेस पेयर कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन विद इन एटीन मिनट डीएनए का जो एप्लीकेशन इन ही को आई दैट इज कम्पलीटेड इन अप्रोक्सीमेटली एटीन मिनट्स एटीन टू ट्वेंटी मिनट्स हम समझते हैं दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रोक्सीमेटली एक सेकेंड में दो हजार बेस पेयर बनने चाहिए सचा मतलब इतनी एक्यूरेसी चाहिए हमें इतना फास्ट रिएक्शन चाहिए हमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमें उनको बढ़वाना है दैट मीन्स वो कितने स्पीड पर होगा दैट इज़ टू थाउजेंड बेस पेयर्स पर सेकेंड राइट कम्प्लीट कंप्लीट तो नहीं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी अच्छा अब देखो इतनी जब न्यूक्लियोटाइड्स को हमें ज्वाइन करवाना है तो इसका मतलब ये जो एंजाइम्स हैं इनको बहुत ही फास्ट एक्ट करना पड़ेगा दे नीड टू बी फास्ट दे हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटेलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो दो चीज़ें चाहिए बेटा हमें एक तो एक्यूरेसी भी चाहिए और एक स्पीड भी चाहिए दोनों चीज़ें कम्प्लीटली हमें बहुत परफेक्ट चाहिए कोई भी अगर मिस्टेक हो जाएगी ना इस रेप्लीकेशन के टाइम पे दैट कैन लीड टू वेरियस यू कैन से म्यूटेशन और अपनॉर्मैलिटीज विड टू म्यूटेशन ठीक है कोई भी मिस्टेक हो जाए तो ये परफेक्ट इतना मतलब ये जो प्रोसेस है ना रेप्लीकेशन का इट हैव टू बी परफेक्ट एकदम परफेक्ट एकदम ओके होना पड़ेगा गलती की गुंजाइश नहीं है अगर गलती आ गई तो म्यूटेशन म्यूटेशन आ गई तो आप समझते हो कि क्या हो सकता है ठीक है डिफेक्टिव प्रोटीन डिफेक्टिव प्रोटीन की वजह से फिर आएंगे डिसऑर्डर्स राइट तो डिसऑर्डर नहीं चाहिए नेचर को फॉर द मोर अब बात करो जब इतना ये जो प्रोसेस है इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनवाने हैं तो क्या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी यस इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एनर्जीटिकली बहुत सारी एनर्जी चाहिए बेटा हमें इसमें एनर्जीटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीज ये क्या करती हैं दिस सर्व्स द ड्यूअल पर्पस क्या एक तो एक्ट करेंगे एज ए सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइडर्स दीज आर एनर्जी एनर्जी फॉर पोलिमराइजेशन रिएक्शन दो टर्मिनल जो लास्ट फास्फेट होते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फिट और हाई एनर्जी फॉस्फिट सेम एज इन केस ऑफ ए टी जैसे ए टीपी के अंदर जब हम दो ए, एक फॉस्फेट निकाला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट निकाला तो क्या बच जाएगा एडिनोसिन ड्राइफॉस्फेट फिर दूसरा फॉस्फेट निकाल दो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट राइट तो इसी तरह से जो हैं। दे एक्ट एक तो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे दूसरा अ सबस्ट्रेट एक्ट करेंगे ताकि हम हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हम उनको जुड़वा सकें हम उनकी पॉलीमराइजेशन करवा सकें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डी एन ए ठीक है इतनी बात क्लियर है ओके वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ठीक है अब क्या सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही चाहिए हमें नहीं हमें इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए कौन कौन से हैं वो एंजाइम मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोसेस विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग डी एन ए मॉलिक्यूल सिंस डी एन ए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स इंटायर लेंथ टू पॉइंट टू मीटर का जो थ्रेड है क्या हम पूरे के पूरे थ्रेड को खोल दें और पूरे के पूरे थ्रेड की हम रेप्लिकेशन करवा दें तो बेटा ये तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करेगा है ना तो बहुत बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट रेप्लिकेशन तो फिर इसका मतलब कहाँ होता है एक बहुत ही छोटे से पोर्शन में होता है ठीक है विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स जिसको क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक इसके भी हम अभी बात करने वाले हैं ठीक है चलो ओके okay. ऐसा करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एंजाइम्स दैट आर रियली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस हमने अभी तक एक एंजाइम की इंपॉर्टेंस समझी है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ठीक है जो न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करवाएगा अब कुछ नहीं करना जस्ट इमेजिन करते जाना मेरे साथ साथ ये डीएनए है ठीक है मैंने इस लेट मी डू वन थिंग इस डीएनए की मैंने कर दी है बेटा अनकॉइलिंग ठीक है वॉट आई हैव डन मैंने इसकी कर दी है अनकॉइलिंग अनकॉइलिंग कर देखो ये ये पूरा डीएनए थ्रेड था अब मेरी बात सुनो ये 2.2 मीटर का एक लंबा धागा है जो न्यूक्लियस के अंदर है राइट अगर मैं इस पूरे के पूरे थ्रेड को खोल दूंगी तो पूरे की रेप्लीकेशन अगर मैं करवाऊँगी तो एक तो लेंथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दूसरी चीज़ बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी इतनी सारी न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ ज्वाइन करवाने में तो हम क्या करते हैं कुछ पोर्शन को खोलते हैं हम मतलब जो प्रोसेस चलता है तो देखो ये सबसे पहले हमने कर दिया बेटा इसको अनवाइंड क्या कर दिया अनवाइंड

ओपन द डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स तो बेटा एंजाइम्स के नाम ऐसे याद रखते जाओगे हेलिक्स को खोलने वाला एंजाइम हेलिकेज ठीक है ओके आगे आ जाओ टोपो आइसोमेरेज अब देखो अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी ना अब मुझे क्या चाहिए एक तरफ ये वाला थ्रेड है एक तरफ ये वाला थ्रेड है मुझे इन दोनों के सामने एक डीएनए बनवाना है राइट तो अब देखो जैसे मैं इसको छोड़ देती हूँ ना ये फिर से कॉयल हो जाता है ये फिर से क्वाइल हो जाता है तो इसके लिए मुझे एक एंजाइम ऐसा चाहिए जिसके लिए मैं इसको यहां से होल्ड करके रख दूँ, यहां से देखो टिप से होल्ड करके रख दूँ। तो इस एंजाइम का नाम क्या रखेंगे हम टोपो आइसोमरेज इस एंजाइम का नाम रखेंगे टोपो आइसोमरेज दैट प्रिवेंट्स द क्वाइलिंग दोबारा से क्वाइल ना कर जाए डीएनए का ये जो इतने टाइम से ऐसे जो बंधा हुआ धागा फिर से क्वाइलिंग की टेंडेंसी होती है इसके अंदर ठीक है तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया ध्यान से देखो टोपो आइसोमरेज ठीक है तो मेरे पास क्या था बेटा ये डी एन ए का थ्रेड था एक ये खोला मैंने एक ये खोला ठीक है और इसकी अनवाइंडिंग को रोकने के लिए मैंने यहां पे क्या लगा दिया टोपो आइसोमीरेज ठीक है ओके अब देखो नेक्स्ट अब ना इस थ्रेड के ऊपर ना मैं चाहे कितना भी सीधा करने कोशिश करूं इसके ऊपर ये जो इंप्रेशन है ना क्वाइलिंग के ये अभी भी बने हुए हैं तो मुझे क्या चाहिए मुझे एकदम स्ट्रेट चाहिए तो अब मैं क्या करूंगी इसके ऊपर इसको स्ट्रेट रखने के लिए इस थ्रेड को स्ट्रेट रखने के लिए व्हाट आई विल डू मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी प्रोटीन लगवा दूरो ये जो इसको पकड़ के स्ट्रेट रखें तो ऐसी प्रोटीन्स सिंगल स्ट्रैंड को जो बाइंड करके रखें ऐसी प्रोटीन्स को हम बोलेंगे सिंगल स्टैंडिंग एक सेकेंड सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ध्यान से देखना व्हाट आई एम डूइंग मैं यहां पे अभी लगा रही हूं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड इससे क्या होगा ये जो थ्रेड जो हमने खोला है ना डबल थ्रेड इट विल रिमेन स्ट्रेट राइट लाइक दिस ये लगा दिया मैंने. Then, और एस एस बी पी लगा दी मैंने ओके लाइक दिस आई हैव डन मैंने इनके ऊपर लगा दी है एस एस बी पी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन इन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से क्या हुआ नो दिस थ्रेड वॉट जो इसके ऊपर इम्प्रेशन है ना क्वाइलिंग के वो नहीं रहेंगे आर यू एबल टू सी येस ठीक है तो कुछ ऐसी सी कंडीशन आ गई ये एक डबल स्टैंडर्ड थ्रेड था एक इधर खुल गया एक इधर खुल गया ठीक है ऊपर से होल्ड करके रखा टोपो आइसो मेरेज ने ताकि दोबारा से क्वाइल ना कर जाए और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया इन थ्रेड्स को बिल्कुल अपनी जगह पर ऐसे स्ट्रेट करके रखा लाइक दिस ठीक है ओके आफ्टर दैट चलो अभी इतना समझो ये कौन सी प्रोटीन है बेटा दिज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है तो ये प्रोसेस चल रहा है किसका रेप्लिकेशन का ठीक है अभी हम स्टेप्स में पढ़ेंगे अभी हम सिर्फ एंजाइम्स को समझ रहे हैं

चलो हाँ और देखो आगे इस प्रोसेस को भी समझने से पहले डीएनए डिपेंडेंट जो पॉलीमरेज है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट वेयर इट इज यस दिस इज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज ये बेटा इसकी एक ना शर्त होती है इसकी शर्त ये होती है कि मैं न्यूक्लियोटाइड्स को कभी भी जो जुड़वाने का काम है पॉलीमराइजेशन का काम है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करता हूँ ठीक है जीरो से स्टार्ट नहीं करूँगा तुम पहले थोड़ा सा काम स्टार्ट करवा दो तो बाद में मैं फिर बाकी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दूंगा एक शर्त तो ये है इसकी दूसरी शर्त ये है इट विल ऑलवेज ज्वाइन जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम के अंदर ही ज्वाइन करवा दें ठीक है end, ये है ये बेटा मान लो थ्री प्राइम एंड और ये हो गया इसका फाइव प्राइम एंड ठीक है तो अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये कहता है नेक्स्ट एंजाइम की हम बात करें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का पॉलीमरेज पॉलीमर polymer बनवाएगा दैट इज पॉलीमरेज उसकी शर्त क्या है कि मैं सिर्फ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ूंगा और कोई भी काम जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा देखो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द एनसीईआरटी लाइंस। यस दिस वन द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ए पोलिमरिज कैटेलाइज पोलिमराइजेशन ओनली इन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज फाइव डैश टू थ्री डैश डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जो पॉलीमराइजेशन है वो फाइव डैश टू थ्री डैश ही करवाएगा नंबर एक शर्त दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लीकेशन फोर कोरिटीकेशन इज कंटिन्यूस वाइल ऑन द अदर इज दैट इज नाउ सी इस चीज को समझना अब इसे बोला नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो कहता है एक काम करो मेरे लिए एक एंजाइम ले आओ प्राइमर आरएनए प्राइमर को हम कलर दे देते हैं ये वाला आर एन ए प्राइमर ले आओ आर एन ए प्राइमर को जुड़वाने के लिए एंजाइम चाहिए हमें प्राइमेज आर एन ए को जुड़वाने के लिए हमें चाहिए एंजाइम प्राइमेज तो ये गया बेटा एक आर एन ए प्राइमर है ना कुछ भी नहीं है आर एन ए प्राइमर एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है न्यूक्लोटाइड्स का राइट और ये ना थ्री प्राइम एंड पे आगे ना बहुत ईजिली बाइंड कर जाता है क्यों क्योंकि तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मिल जाता है ना याद करो डी एन ए का स्ट्रक्चर पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक तरफ थ्री प्राइम एंड फ्री है तो दूसरे फाइव प्राइम एंड फ्री है आर एन ए पॉलिमरेज जो आर एन ए पॉलिम नहीं आर एन ए प्राइमर आर एन ए प्राइमर जो है वो हमेशा आगे थर्ड प्राइम एंड से ज्वाइन करता है और वो यहाँ पे ना तो बेटा स्टार्ट करवा देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की ज्वाइनिंग ठीक है जैसे ही इसने थोड़ा सा काम शुरू किया फिर आता है डीएनए पॉलिम्रेज पॉलीमरेज क्या करता है डी एन ए पॉलिमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स जो इनएक्टिव फॉर्म में है उनकी एक्टिवेशन के बाद न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट किया जाता है ठीक है तो न्यूक्लियोटाइड्स को काम कौन कराएगा पॉलीमर बनाने का काम कौन करेगा दैट इज डीएनए पॉलीमरेज बट क्या चाहिए इसको जीरो से शुरू नहीं करूंगा तो पहले आरएनए प्राइमर को बुलाओ वो जब काम शुरू कर देगा फिर मैं न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाऊंगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है अब एक चीज देखना बड़े ध्यान से वर्ड आया है हमारे सामने रेप्लिकेशन फोर्क रेप्लिकेशन फोर्क रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है बेटा वाई शेप्ड फोर्क तो अगर आप ध्यान से देखो ना इस थ्रेड को ये कहीं कही ना कहीं आपको वाई शेप की रिज़ेंब्लेंस दे रहा है तो ये जो डबल हेलिक्स का खुलना इज गिविंग योर वाई शेप्ड है ना वाई शेप दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फोक तो इन एंजाइम्स के साथ इन एंजाइम्स के साथ काम शुरू होता है किसका डीएनए रेप्लिकेशन का तो रेप्लिकेशन फोक को हमने समझा और द डीएनए पॉलिमरेज ऑन देअर ओन कैन नॉट इनिशिएट अपने आप काम को स्टार्ट नहीं करूँगा द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन ऑल्सो रेप्लीकेशन जो है इनिशियली अपना रेंडमली किसी भी प्लेस से ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो जाए पर्टिकुलर प्लेस पर ही स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरीसाइट ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन ईकोलाइट डी एन ए वेर दर रेप्लीकेशन ऑरिजिनेट्स ठीक है ओरिजिनेट्स ori e. मतलब

भाषा में समझो, से स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी हम इनको सबको के अंदर डिवाइड करके भी पढ़ेंगे ओके okay. तो अब देखो देन कम्स टू स्टेप्स भी आ जाओ बेटा अब ये जो हमने पूरा प्रोसेस समझा अब इसकी बहुत ध्यान से प्रोसेस को समझने कोशिश करना मेरे सामने ये वाली कंडीशन आ चुकी है किसकी डीएनए स्ट्रैंड की ठीक है डी डबल हेलिक्स ऐसे खुल चुका है एस एस बी पी ने ऐसे इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके पकड़ा हुआ है और हर स्टैंड के सामने एक आएगा आर प्राइमर आर प्राइमर आके अटैच होगा थर्ड प्राइम एंड पर और डीएनए पॉलीमरेज उसके बाद काम शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाएगा फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम ये बातें मेरी याद रखना है तो अब हम पूरे के पूरे प्रोसेस को डिवाइड करने वाले हैं स्टेप्स में और स्टेप्स को समझ के वी विल इंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन पहला स्टेप सबसे पहले हमें क्या करना है एक्टिवेशन करना है ऑल द न्यूक्टिवियोटाइट डी एम पीज डीन मोनोफॉस्फेट डी ऑक्सीन मोनोफॉस्फेट डी ऑक्सी थमिन मोनोफॉस्फेट तो इनको किसमें कन्वर्ट करना है हमें डीएनटीपी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड है ना ट्राईफॉस्फेट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है दीज आर द एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम जिसके लिए हमें चाहिए होगा फॉस्फोरिलेज फॉस्फोरिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये सारी क्या है बेटा दीज आर इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स जो दो दो पर्पस सर्व करती हैं दैट इज दे आर एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट

जहां मैंने टोपो आइसोमरेज लगा लगाया है ना तो हमें क्या करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरी साइट तो रेप्लीकेशन स्टार्ट एट ओरी साइट रेप्लीकेशन स्टार्ट एट ओरी साइट ठीक है तो देखो ध्यान से हमने चलो हम यहीं पे कर लेते हैं ये हमारे पास बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था ठीक है यहां से हमें ओरिसाइट को पहचान लिया दिस इज मान लो ओरिस और साइट को तो पहचान लिया इसका मतलब अब हमें इस डीएनए मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज डी एन दिस इज डी एन ए हमें इसको अनवाइंड करना है मुझे यह बोला गया कि दिस इज द दिसट दिस इज द ओरिस तो यहां से अब को पहचानने के बाद इस जगह पे एक कट लगवाओ कट लगवाओ मतलब काटो कपड़े को काटना है ठीक है कपड़े को काटने के लिए जगह जगह तो देखनी पड़ेगी ना कि किस पे हमें कट लगाना है वो उस जगह का नाम क्या है ओरिसाइट उस जगह पे कट लगवाएंगे अब ये क्योंकि केमिकल है तो हमारे पास ऐसी कोई कैंची मॉलिकुलर सीजर है ना हमारे पास जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस निक कट इन सीजन विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एंडो न्यूक्लिएस एंडो न्यूक्लिएस जिनको बोलते हैं मोलिकुलर सीजर्स क्या बोलते हैं मोलिकुलर सीजर्स ठीक है तो ऐसी हमारे बॉडी के अंदर मॉलिकुलर सीजर्स है डीजर एंडोन्यूक्लियस कहाँ से इनको आइसोलेट किया गया इनको आइसोलेट किया गया प्रोकेरॉड से वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंडोन्यूक्लियस कहाँ से लाते हैं ठीक है ठीके? जब हम बायोटेक का कर चैप्टर करेंगे बट एंडोन्यूक्लियस एक तरह से कैंची है मॉलिकुलर सीजर्स है जो डी एन ए को कट कर देंगे अब यहाँ से और ही साइड से कट किया है कट करते ही इसकी हो गई बेटा अनबाइंडिंग दो स्टैंड में खुल गया राइट right? ओके okay.

टोपो आइसोमेरेस इंटरकोइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये हमने लगवाया टोपो आइसोमेरेस ठीक है ये हमने लगवाया टोपो आइसोमेरेस राइट ओके और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया अब हमें रिलीज ऑफ टेंशन ड्यू टू अनवाइंडिंग इस टेंशन को रिलीज करने के लिए हमने क्या लगवाई है ये दीज आर एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो इस थ्रेड को स्ट्रेट रखेंगी राइट right? ओके okay. इसके लिए हम यूज़ करेंगे एस एस बी पी ये हम समझ चुके हैं क्या होती हैं ठीक है ओके okay. अब देखो अब सारा सीन जो हमारे सामने आ चुका है वो ये आ चुका है ये था डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस जगह से ओरिजिन ऑफ साइट ऑरिजन ऑफ साइट के बाद अनवाइंडिंग हो गई ठीक है ध्यान से देखना अब अनवाइंडिंग होने के बाद एक सेकेंड इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखा स्ट्रेट रखने के लिए हमने एंजाइम्स कौन से यूज किए एस एस बी ये क्या है बेटा एस एस बी ठीक है ये है थ्री प्राइम एंड इसका ये है फाइव प्राइम ये थ्री प्राइम ये फाइव प्राइम यहाँ भी क्या लगे हैं बेटा एस एस बी पी आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है ये ये कौन सा एंजाइम था हमारा दैट इज़ टोपो आइसोमरेज दिस इज टोपो आईसो ताकि दोबारा से टोपो आइसो मिरेज ताकि दोबारा से क्वाइलिंग ना हो जाए ठीक है और ये क्या थी बेटा हमारी वर ठीक है अब देखो नेक्स्ट स्टेप स्टेप सेवन में आएगा आर एन ए प्राइमर चाहिए हमें क्या चाहिए आर एन ए प्राइमर <coughs> क्या है आर एन ए प्राइमर छोटा सा फ्रेगमेंट है आर एन ए का और प्राइमेस एंजाइम की हेल्प से आरएनए प्राइमर विल कम एंड अटैच एट थ्री प्राइम एंड ठीक है यहां थ्री प्राइम एंड पे आके अटैच हो जाता है राइट right? ओके okay. अब इसके सामने सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज आएगा डीएनए पॉलीमरेज के आते ही नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी ठीक है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बेटा 5 प्राइम एंड से प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाएगा ठीक है लाइक दिस न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाएगा और जैसे ही ज्वाइन करवाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा आर एन ए प्राइमर हट जाएगा एक सेकेंड आर एन ए प्राइमर हट जाएगा और नई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ती जाएंगे, ठीक है तो ये कौन सा एंड है ये ये फाइव प्राइम एंड है तो आप देखो ध्यान से फाइव प्राइम एंड की तरफ ये जुड़ती जा रही है ठीक है अब देखो अब बात को अब यहां पे ये है थ्री प्राइम एंड अब यहाँ पेट प्राइम एंड तो आरएनए प्राइमर यहाँ पे आके अटैच हुआ आरएनए प्राइमर का कलर वही वाला लेंगे आरएनए प्राइमर यहाँ पे आके अटैच हुआ ठीक है जहां जहां इसको थ्री प्राइम एंड मिलेगा ना वहां वहां आके अटैच होगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चलेगा इस डायरेक्शन में ठीक है तो जहां जहां आरएनए प्राइमर अटैच होगा वहां वहां डीएनए पॉलीमरेज मतलब ये थोड़ा काम शुरू करवाएगा और यहाँ पे आके डीएनए पॉलीमरेज ए पॉलिम्रेज यहाँ पर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ न्यूक्लियोटाइड की ज्वाइनिंग करवा देगा फिर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ डी एन ए पॉलिम आया यहाँ ज्वाइनिंग करवा दी फिर ये हटेगा तो यहाँ आके इसने यहाँ पे शुरू करवा दी तो अब आप अगर एक चीज़ ध्यान से देख पा रहे हो अगर आप एक चीज बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो मेरी बात को समझना कि यहाँ जो सिंथेसिस हो रही है ये ऐसे चल रहा है ये एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ये मतलब दूसरा पॉलीमर ये तीसरा पॉलीमर तो यहाँ देखो एक फ्रेगमेंट दूसरा फ्रेगमेंट तीसरा फ्रेगमेंट्स ये क्या है फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड कर लो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है ओके एक स्टैंड के ऊपर तो कंटिन्यूसली बन रहा है एक स्ट्रैंड के ऊपर कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है तो इसीलिए इस स्ट्रैंड स्ट्रैंड, को हम बोल देते हैं ठीक है strand, और इस स्ट्रैंड के ऊपर क्योंकि फ्रेगमेंट में सिंथेसिस हो रही है न्यूक्लियोटाइड्स की इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को हम बोल देते हैं यहां लिखते हैं डिस कंटी स स्ट्रैंड ठीक है तो पोलैरिटी चेक करना देखो जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम वाला स्ट्रैंड है दिस इज कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऐसे इसको ले रही बेटा और उधर से फाइव प्राइम तो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाला स्ट्रैंड कैसा हो गया डिस कंटिन्यूस स्ट्रैंड ठीक है ओके इतनी बात क्लियर है अब देखो अब ये जो डिस्कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बने अब इनको जॉइंट तो किया जाएगा कौन सा एंजाइम आएगा अब यहाँ पे आएगा बेटा लाइकेज। like अच्छा इन फ्रेग्मेंट्स को क्या बोलते हैं पहले ये बताओ इन फ्रेग्मेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी ओकाजाकीज फ्रेग्मेंट्स इन फ्रेग्मेंट्स का नाम है ओकाजाकी फ्रेग्मेंट्स ठीक है बाद में इन सारी न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवा देगा और ज्वाइन करवाने का काम कौन करता है लाइगेज एंजाइम कंटिन्यूस स्टैंड डिसकंटिन्यूस स्टैंड डिसकंटिन्यूस स्टैंड पे क्या बने बेटा ध्यान से देखो ओका जाकेज फ्रेगमेंट्स और इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कौन करवाएगा लाइगेज लाइगेज एंजाइम आएगा जो क्या करवाएगा ज्वाइन करवाएगा किनको

That is ligase. तो हमारे सामने अब देखो कंडीशन क्या आ गई हमारे सामने अब कंडीशन ये आ गई कि देखो हमारे सामने अब ये कंडीशन आ गई ये एक स्टैंड था ठहरो। हमारे सामने ये कंडीशन आ गई कि ये एक स्टैंड था और ये वाला दूसरा स्टैंड था ठीक है इस स्टैंड के सामने ये न्यूक्लियोटाइड बन गई इसके सामने बनी फ्रेगमेंट्स में राइट ओके okay. uh, और हमने क्या देखा ये थ्री प्राइम था ये फाइव प्राइम था इस स्ट्रैंड को हमने बोला डिस स्ट्रैंड डिस और इस वाले स्ट्रैंड को हमने बोला कंटिन्यूस स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड को हमने क्या बोला कंटिन्यूस स्ट्रैंड ठीक है और ये क्या है न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इनको ज्वाइन करवाने के लिए एंजाइम कौन सा आता है बेटा ये होकर जाके फ्रेगमेंट्स है यहां लिखो ओका जाकिस फ्रेगमेंट ठीक है इनको ज्वाइन किसने करवाया इनको ज्वाइन करवाया ज्वाइंट बाय लाइगेज ठीक है जिसकी वजह से क्या हुआ ये वाले फ्रेगमेंट भी पूरे कंप्लीट बन गए ठीक है तो अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपके सामने कंडीशन ये आ गई है ये एक स्टैंड था ये दूसरा स्टैंड था इसके सामने बन गया ये एक न्यूली फॉर्म स्टैंड और ये न्यूली फॉर्म स्टैंड अब ये कंप्लीट डीएनए बन गया ये कंप्लीट डीएनए बन गया ठीक है तो इस तरह से अब बाद में इसकी क्या होगी प्रूफ रीडिंग भी होगी क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए तो प्रूफ रीडिंग के लिए भी कौन सा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस और इसके थ्रू हमने क्या बना दी बेटा दूसरा नया डीएनए राइट ये हम पढ़ चुके हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट रेप्लीकेशन मशीनरी फर्दर अभी तक ना ऐसा नहीं है कि हमने हर डिटेल को समझ लिया रेप्लीकेशन की और ऐसा भी नहीं है कि हमने ये जो स्टेप्स लिखे बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में चलता है रेप्लीकेशन मतलब स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं कभी भी कोई भी टाइप कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है बट एक बात सर्टेन है कि पूरे दो मीटर के जो लेंथ का जो धागा है उसके ऊपर रेप्लीकेशन अलग-अलग जगह पे छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर होता है ठीक है खुलता जाता है वो वाला पार्ट उसका रेप्लिकेशन होगा फिर दूसरे पार्ट का रेप्लिकेशन होगा कंटीन्यूअसली कभी भी नहीं होता है राइट ओके इन योर रूट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल ये बात हम समझ चुके हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाइली कोऑर्डिनेटेड जब सेल डिवीजन होना है उसी वक्त एस फेज के अंदर सेल अपनी कॉपी डुप्लीकेट सॉरी

ठीक है इस जगह से खुल गया ये यहाँ पे ये कौन सी साइट होगी इसका मतलब औरिज साइट यहाँ से बन गया ये रेप्लीकेशन फोक दो थ्रेड्स अलग अलग हो गए राइट इनके ऊपर है ये नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से रेड वालाइडिन थाइमिन साइटोसिन गुआइन और एक स्ट्रैंड कौन सा है ये लैगिंग स्ट्रैंड जो पीछे रह जाता है डिसकन्टिन्यूस स्ट्रैंड इसकी पोलैरिटी क्या होगी बेटा दिस इज़ यहाँ पे होगा फाइव प्राइम और इसके यहाँ पे होगा थ्री प्राइम

तो इसलिए हमने इसको बोला लैगिंग स्टैंड एक स्टैंड धीरे चलेगा एक स्टैंड आगे चलेगा एक कंटिन्यूसली बनाएगा एक डिसकंटिन्यूसली बनाएगा जो कंटिन्यूसली बनाएगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग और जो पीछे रह जाएगा से बनाएगा उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्टैंड ठीक है लैग मतलब पीछे रह जाना ओके okay. उसके बाद देखो क्या होगा तो ये पेरेंटल डीएनए डीएनए पॉलीमरेज थ्री ये तीन टाइप्स के बेटे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और दिस इज ओवरऑल रेप्लीकेशन यहाँ से रीजन ऑफ रेप्लीकेशन से वन इज लीडिंग स्टैंड वन इज दिस इज लेगिंग स्टैंड एंड लाइक दिस द कम्प्लीट डी एन ए सिंथिस विल बी टेकिंग प्लेस और ये देखो डी एन ए लाइगेज क्या करेगा डिफरेंट न्यूक्लियर टाइड्स को जो फ्रेगमेंट्स में बनी थी उनको ज्वाइन करवा देगा ठीक है तो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड विथ डी एन ए रेप्लीकेशन आई होप कि यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा थोड़ा सा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सबसे पहले डीएनए की अनवाइंडिंग हो गई डीएनए की अनवाइंडिंग हो गई हेलीकेस ठीक है कॉइलिंग दोबारा से ना हो जाए टोपो आइसोमेरेस लगा दो दोनों स्ट्रैंड्स को स्ट्रेट रखने के लिए एसएसबीपीस लगवा दो ठीक है दोनों स्टैंड के सामने अब नया डीएनए बनाना है इनको एज अ टेंपलेट यूज कर लो दोनों के सामने आरएनए प्राइमर आएगा आरएनए प्राइमर हमेशा आता है थ्री प्राइम एंड पे और डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर के आने के बाद ही काम शुरू करेगा डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में और हमेशा कब स्टार्ट करेगा अपना काम जब आर एन ए पॉलीमर आर एन ए प्राइमर आके अपना काम शुरू कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवाने का फिर एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी थ्री डैश टू फाइव डैश है उसके ऊपर बनेगी सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दूसरा स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी दैट विल बी इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर तो कंटिन्यूसली सिंथेसिस वाले जो न्यूक्लियोटाइड बनने वाले जो स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड दूसरे को हम बोल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड ठीक है strand, तो जो फ्रेगमेंट

And Stroll, बिना किसी डाउट के हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं जो experimental proof है है किसने किया था ने ठीक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो 15 एंड कैन ओनली बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैसे हम उसको नॉर्मल नाइट्रोजन से लाइटर नाइट्रोजन से डिफ्रेंशिएट करेंगे

फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है पॉलीमराइजेशन हाँ फाइव टू थ्री में चलेगा ये थ्री प्राइम पे आके कौन अटैच होगा आर एन ए प्राइमर डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए एडजस्ट एंड टू एडजस्ट एंड टू थ्री प्राइम आर ज्वाइन टूगेदर बाय डी एन ए हाँ दैट इज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम दिस कंटिन्यूस सिंथेसिस स्ट्रैंड ऑफ डी एन टू नेक्स्ट वाला कौन सा था हमारा फाइव डैश ये वाला और उधर से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम की तरफ चलेगा दैट इज़ वी नीड टू टेक दिस सी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड एंजाइम कौन सा यूज़ होगा डी एन ए लाइक तो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन कम्प्लीटली इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क यूर डाउट इन द कमेंट सेक्शन और साथ ही साथ आपको क्या करना है जो डी पी पी आपको प्रोवाइड की जा रही है उस डी पी पी को सॉल्व करना है तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल